श्री गणेश नमः। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीमा बेजवानी व्लॉग्स। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। अभी हो चुकी है सुबह और हम हो रहे हैं रेडी। हमने आउटफिट पहन लिया है और लेंसेस लगा दिए हैं। मेकअप करना बाकी है, अब वो कर रहे हैं। तो आज हमारे मंदिर का है हैप्पी बर्थडे, मेरे भाई विशाल का भी है हैप्पी बर्थडे, मतलब मंदिर की एनिवर्सरी है। जो मंदिर हम आपको हमेशा हमारे व्लॉग्स में दिखाते रहते हैं, आज उनको 6th एनिवर्सरी है, तो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कर लेंगे मेकअप, उसके बाद एक बहुत अच्छी सी जगह पर जाने वाले हैं, शादी अटेंड करने वाले हैं। तो बहुत मज़ेदार व्लॉग्स हैं। अगर हमारे व्लॉग्स पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए अब मेकअप कर लेते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो मोस्टली मेरा मेकअप जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टे करे, उस टाइप की हम कोशिश करते हैं और प्रोडक्ट वैसे ही यूज़ करते हैं। तो आज हम रिकॉर्ड के प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं सारे और यूरोप गर्ल के। तो अब मेकअप करते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हम रिकॉर्ड का प्राइमर यूज़ कर लेंगे। हमने स्प्रे यूज़ कर ली है, कंसीलर रिकॉर्ड का है। तो आज पूरा जो मेकअप है काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड का ही यूज़ होने वाला है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये रिकॉर्ड का कंसीलर है, इससे मेकअप करेंगे आज। तो गाइज, अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरा मेकअप देख सकते हो, इन बालों का तो अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग के बाद भी अभी ऐसे ही रह रहे हैं। अब हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट फंक्शन के लिए, उसके बाद सेकंड आउटफिट चेंज करेंगे। आज के दिन में 3 से 4 आउटफिट चेंज होंगे, तो आज का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़रूर पूरा देखना। तो गाइज, यहाँ हो रही है लंगर की तैयारियाँ। ये टापू रहे, ये है ना, बहुत कोई बाहर बात करता है, इसको पसंद नहीं आता है। हम माथा टेकेंगे। हैप्पीएस्ट बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे मेरे भाग का आज। ये देखो बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है। ये मेरी मॉम को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्होंने पैदा किया मेरा विशाल, माय बेस्ट सन। ये बहुत बहुत प्यारा, ये देखो बोल रहा है मुझे भी गले लगो भाई, मैं भी बाबू तुम्हारा। तो विशाल को
क्या बोलेंगे विशाल को? हैप्पी बर्थडे टू यू डब्बू। फिर आए थे हम नानी के घर, ये मेरी नानी और ये मेरे नाना घर बैठे कर रहे हैं काम। नानी कैसा हाल है मन्ना? खुश है? मस्त खुश है। अभी हम बाद में मिल रहे हैं, हाँ मैं शादी में जा रही हूँ। ओके तो गाइस मिलते हैं। ये मेरे बालों का कुछ नहीं हो सकता। तो अभी सब लोगों ने प्रसादी खा ली है और ये आज हमारे मंदिर के हैप्पी बर्थडे की सेलिब्रेशन है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो गाइज अभी हम रेडी होके आ चुके हैं बारात में। तो आज मेहंदी पार्टी के दिन रखी गई है बारात, पिंक आउटफिट हैं सारे लोगों के और अभी हम बारात में एंजॉय कर लेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि हमें सॉन्ग्स कॉपीराइट की वजह से म्यूट करने पड़ते हैं। वैसे यहाँ पे तो बहुत धमाकेदार सॉन्ग चल रहे हैं पर हम आपको सुना नहीं सकते। तो गाइस अब आज हम आए हैं मेहंदी पार्टी में, बहराने है इसके बाद रात को और ये बहुत प्यारी सी बहुत सुंदर सी डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहराना और जो भी वेडिंग के फंक्शंस है, दो तीन फंक्शंस यहीं पे हम लोग अटेंड करने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्ती जगह है और यहाँ पे अब हो रही है हल्दी की रस्म। तो ये कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी सी रखी गई है एक्टिविटी मेहंदी और हल्दी पे। ये देखो भैया भाभी फ़ोटोज़ निकलवा रहे हैं, मैंने बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो निकाले हैं, इंस्टाग्राम पर जाके देख लीजिएगा। और ये देखो मैं अब इस एक्टिविटी का एक मैं भी पार्ट बनूंगी। मैंने पहले लगा दिया था पर आप लोगों को व्लॉग दिखाने के लिए एक बार फिर से हम लगा देते हैं। और ये हमारी सास लगा रही है मेहंदी। गाइज अभी हमने कर लिए बहुत सारी डांस और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अब हमें लग रही है मेहंदी। तो भाई मेहंदी पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और वो है हमारी प्यारी सी ब्राइड। तो हर किसी की बेटी भाई बहुत ज़्यादा खुश होनी चाहिए हमेशा। फाइनली अभी आ चुके हैं घर और मेकअप का बेस देख सकते हो काफ़ी अच्छा है और हमने बहुत सुंदर सी मेहंदी भी लगवा दी है। तो अब घर आने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर चेंज करके फिर रात को बहराना है तो बहराने पे जाएंगे। अरे बार दिन वाला बॉय आ गया। नानी भी आई है आज। नानी बताइए थोड़ा। आज तो बहुत खुशी का दिन है, विशाल का बर्थडे। केक काटेंगे, खाएंगे, नाचेंगे और मजा करेंगे और क्या। होटल भी जाओगे ना? होटल में खाना खाएंगे, तुम भी चलना, अमित चलेगा, सुनील आया है, मैं भी आई हूँ, दादा भी आया है। दादू का निकालो, मेरा निकालो, सबका निकालो और ऑल द सिटी पे रखो ताकि दुनिया देखे। गाइज ये बहुत प्यारा सा और टेस्टी टेस्टी सा केक है और मैं बहुत बड़ी केक लवर हूँ भाई। जल्दी केक काटो, मैं खा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम कर रहे हैं सेलिब्रेशन और भगवान करे मेरे भाई के जो भी अच्छे अच्छे सपने हैं वो भगवान हमेशा उसके ड्रीम कम ट्रू करे। मेरा भाई जीवन में बहुत तरक्की करे। और ये है हमारे घर के सारे लोग जो विशाल का सेलिब्रेशन में हमारा पार्ट बनने आए हैं। तो ये जो केक बहुत प्यारा सा है वो नेहा वाली से बनवाते हैं हम। अभी सब निकालेंगे फोटो। माय टप्पू 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 हैप्पी बर्थडे है ना मम्मा का। ये मुझे मेरे भाई ने दिए। टप्पू ये किसने दिया बेटू? गाइज ये है मेरा बहराने का आउटफिट और ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आउटफिट कैसा है। तो गाइज अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी हम जा रहे हैं। आज का ये है हमारा थर्ड लुक, तो थर्ड आउटफिट हमने चेंज किया, फोर्थ हम नाइटी आके पहनेंगे। तो गाइज चलो अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। I'm
गाइज अभी फाइनली आ चुके हैं घर और बहुत ज़्यादा यार थक चुकी हूँ, तो अभी घर आ चुके हैं। और ये सुंदर सा, ये मेरा फेवरेट क्लच है, सबसे ज़्यादा मुझे जितने भी पर्सेस हैं ना ये वाला मुझे बहुत पसंद है। और ये हमारे AS फैशन 6 का है, तो किसी को भी बाय करना हो तो मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब मेकअप रिमूव करेंगे। जितनी देर मेकअप करने में नहीं लगती है उससे ज़्यादा ये सारा रूम बिखर जाता है जब मैं मेकअप रिमूव करती हूँ। सारी चीज़ें अपनी जगह से अलग, फिर जब सब ख़त्म होता है, फिर हमें टाइम मिलता है, तब हम ये सब सेट करते हैं। तो आज का लुक आपको कैसा लगा हमारा ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इतने दिनों के बाद हमने आज डेली ब्लॉग अपलोड किया, तो आज सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैशअप हो गई थी। पहले मंदिर का बर्थडे, विशाल का बर्थडे, फिर हमें बारात में जाना था, बारात के बाद हमें बैराने साहिब जी में जाना था, तो आज बहुत सारी मैशअप हो गई, बट डन हो चुका सब। और ये प्यारी प्यारी सुंदर सी मेहंदी देख सकते हो हमने लगवाई, तो बहुत अच्छी थी शादी, मतलब बहराना। तो हमारी तरफ से बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स हैं, हर किसी का बच्चा बहुत खुश होना चाहिए और हर किसी की मैरिज बहुत सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो लव यू, चलिए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, तो आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप कि आप मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि डेली अपडेट्स डालें, और इसके बाद भी व्लॉग आने वाला है, पर ये जो व्लॉग हैं ये मैंने पहले काफ़ी दिनों पहले बना कर रखे थे और आज मैं डाल रही हूँ, क्योंकि यार एडिटिंग करने का काम बहुत कंटाड़े वाला होता है। और आप में से कोई ऐसा हो जो मुझे एडिटिंग करके दे तो भी मुझे DM करना, तो एडिटिंग वगैरह के लिए मुझे बहुत ज़्यादा नीड होती है कि कोई इंसान मुझे एडिटिंग करके दे, क्योंकि एडिटिंग का काम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ या बोरिंग बोल सकते हैं ऐसा काम होता है। तो व्लॉग्स तो मैंने बहुत सारे बना कर रखे हैं, अभी एडिटिंग करेंगे। और भाई शादी बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छी शादी थी, मंदिर का बर्थडे भी था, विशाल का भी बर्थडे था, तो विशाल का बर्थडे बनाया, सब मिक्स मैच हो गया था, बट सब अच्छे से हो गया, हर एक चीज़ अटेंड करी हमने, पर बहुत जल्दी जल्दी में अटेंड करी। वैसे मैं चाहती हूँ कि एक दिन में एक ही फंक्शन होना चाहिए, एक ही प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे हम उस फंक्शन को पूरा दिन एंजॉय कर सकते, ऐसे सारे मिक्स होते हैं ना, सारे मिक्स होते हैं तो ऐसे लगता है चलो भाई जल्दी जल्दी सब बताना है। तो पर बहुत अच्छा लगा हम सबको, बहुत अच्छी प्रिपरेशंस थी शादी में भी, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। और शादी होती है तो दिल खुश हो जाता है, मुझे तो सबसे ज़्यादा शादी में रेडी होके जाना बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे नंबर पर खाना खाना। तो भाई आपको शादी में क्या पसंद है ज़रूर बताना, और महादेव जी झूलेलाल जी हमेशा हम पे कृपा बनाए रखें, और विशाल को भी भगवान बहुत तरक्की दे, यही मेरी इच्छा है, अपनों को बढ़ते हुए देखने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए गाइज, इसके बाद हम मिलेंगे आपसे एक बहुत ज़बरदस्त से व्लॉग में, तो आज का व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा आप।